मास सफदर के हेटर्स की मिसाल उस लोमड़ी जैसी है जिसने कहा था कि अंगूर खट्टे हैं। अगर आप नहीं जानते कि इस मुहावरे के पीछे कहानी क्या है तो मैं आपको बताता हूँ। एक लोमड़ी जंगल से गुजर रही थी, अचानक उसकी नज़र अंगूर की बेल पर पड़ी। उसने उचक कर अंगूर हासिल करने की कोशिश की लेकिन उसका हाथ वहाँ तक नहीं पहुँचा। लोमड़ी ने 3-4 दफ़ा दोबारा ट्राई किया लेकिन लोमड़ी का हाथ अंगूर की बेल तक नहीं पहुँच सका। वहीं कुछ फासले पर एक उल्लू बैठा ये सारा मंजर देख रहा था। उल्लू ने तंजिया अंदाज में, मजाक उड़ाने वाले अंदाज में लोमड़ी से कहा कि क्यों भी लोमड़ी, तुम अंगूर हासिल करने में नाकाम रही। जिस पर लोमड़ी ने खसिया कर जवाब दिया कि मैं चाहूँ तो ये अंगूर हासिल कर सकती हूँ लेकिन अभी फ़िलहाल ये अंगूर खट्टे हैं। बकवासियात में खुशामदीद, मैं हूँ आपका मेज़बान हसन इमाम। मास सफदर पाकिस्तान के यूट्यूब सीन में एक ऐसा नाम है जिससे आप सभी लोग वाकिफ़ होंगे। मास सफदर वर्ल्ड के नाम से इनका एक यूट्यूब चैनल है जिस पर ये डेली व्लॉग्स बनाते हैं। ये बंदा 2 साल से हर रोज़ व्लॉग अपलोड्स कर रहा है। इतनी कंसिस्टेंसी से वीडियो बनाना बजाते खुद एक बहुत मुश्किल काम है लेकिन मास ने ये काम कर दिखाया। मास के व्लॉग्स में अक्सर उसकी पूरी फैमिली मौजूद होती है। मास सफदर का कंटेंट फैमिली फ्रेंडली है लेकिन ये बात उसके हेटर्स को हज़म नहीं हो रही। ये यूँ कहा जाए तो ज़्यादा मुनासिब होगा कि लोगों को उसकी कामयाबी हज़म नहीं हो रही। कैसे एक 22 साल का लड़का YouTube से लाखों रुपए कमा रहा है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सोशल मीडिया पे मास सफदर के हेटर्स उसके खिलाफ तरह तरह की मीम्स बना रहे हैं, जैसे कि ये वाली। अगर आप इन 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स में शामिल नहीं हैं तो मेरी जान आप मैच्योर हैं, यानी कि वो 3 मिलियन जो मास सफदर के सब्सक्राइबर्स हैं वो मैच्योर नहीं हैं। यही कहने का मकसद है। जिन भाई साहब ने ये मीम बनाई है, मेरा उनसे एक सवाल है कि बेटा तुमने ज़िंदगी में क्या उखाड़ा है, मेहनत करो, हसद ना करो। एक और पोस्ट जो मेरी नज़र से गुजरी वो ये कि सिर्फ बीवी दिखाओ कंटेंट लमाओ, यानी कि मास सफदर की जितनी भी कामयाबी है वो सिर्फ इस वजह से है कि वो अपनी घर की ख्वातीन दिखा रहा है। जिस शख्स ने भी ये मीम बनाई है उसकी सोच काफ़ी घटिया है और मैं तो कहूँगा ये वही लोमड़ी वाली सोच है जिसने कहा था कि अंगूर खट्टे हैं। तो इन भाई साहब से भी हम यही कहना चाहेंगे कि मेहनत करो, हसद ना करो। पिछले साल मास सफदर की शादी हुई और इस साल उनके यहाँ बेटे की पैदाइश हुई जिसका नाम बासिल रखा गया। लेकिन मास सफदर के हेटर्स ने उस चंद माह के बच्चे को भी नहीं छोड़ा, उसके लिए भी तरह तरह की बातें और नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं किया। इससे पता चलता है कि हम लोग कितने फ्रस्ट्रेटेड हैं। हमें मुश्किलों की और परेशानियों की इतनी आदत हो गई है कि अगर हमारे सामने कोई कामयाब और खुश इंसान आए तो हम परेशान हो जाते हैं कि हम परेशान हैं तो ये खुश कैसे। ऐसे लोगों की मिसाल बिल्कुल उस बस्ती के लोगों जैसी है जहाँ पर हर शख्स की एक आँख फूटी हुई थी। हर इंसान सिर्फ एक आँख से काम चला रहा था पर अचानक वहाँ पर एक ऐसा शख्स आता है जिसकी दोनों आँखें सलामत थी तो बस्ती के सारे लोग उस आदमी का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं क्योंकि वो उनसे मुख्तलिफ होता है बगैर ये सोचे कि वो उनसे बेहतर है। ये कायनात कुछ उसूलों के तहत चलती है और उनमें से एक उसूल ये है कि हसद करने वालों को कभी भी कामयाबी नहीं मिलती। मैं कोई मास सफदर का फ़ैन नहीं हूँ, ना ही मैं उसके कॉन्टेंट को फॉलो करता हूँ, लेकिन उसकी कंसिस्टेंसी मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग है और उसकी सक्सेस स्टोरी बहुत सारे और लोगों के लिए बहुत इंस्पायरिंग है। आखिर में सभी देखने वालों से सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अगर दूसरों की कामयाबी पे खुश होंगे तो एक ना एक दिन आप भी ज़रूर कामयाब होंगे। और तमाम हेटर्स से ये कहना चाहूँगा कि मेहनत कर, हसद ना कर।